हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसी आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, और मैं यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का एक और नया एपिसोड। और अभी हम लोग खेल रहे हैं सोलो में, लॉबी में बंदे टोटल है गाइस 13। एंड आज का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जुड़े बंदे हो गए चाल पे, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी पिछले लगातार 5 मैचेस हम लोग गाइस यहाँ पे जीत चुके हैं, देखते हैं ये वाला मैच जो है ना गाइस कैसे जाता है। प्लेन पाथ की बात करें, यस प्लेन पाथ भाई काफी ज्यादा दूर है गीगा चार्चा माउंटेन से, तो वहां पे जाने का कोई सीन बनता नहीं है। वैसे पिछले एपिसोड में एंडिंग में हमने गीगा भी टेम कर लिया था, देख लेना यार प्रीवियस एपिसोड्स अगर आपने देखे नहीं है तो। और अगर चैनल पे नहीं हो ना तो सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। सो चलो अभी आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हैं और फुल टू जो ना गाइस तबाही मचा डालते हैं। सो तबाही मचाने के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे सीधा चले जाना है, ठीक है। और भाई अपनी स्पाइन और रिक्स की आर्मी भाई कैप्चर कर लेनी है, क्योंकि भाई और कोई जो ना गाइस मुझे यहाँ पे वो दिख नहीं रहा भाई तरीका ये मैच जीतने का भी। सोलो में खेल रहे हैं हम लोग, और सोलो अगर मैं एक ही डायनो लेके जाऊंगा और एंड में किसी की आर्मी वगैरह होगी ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है गाइस, ठीक है। सो इसलिए ये वाला रेड ड्रॉप लेता हूँ मैं, ये रेड ड्रॉप थोड़ा सा एच पे है भाई, पता है मेरे को जोन के, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, नहीं परफेक्ट है भाई, परफेक्ट है रेड ड्रॉप। यहाँ पे बस पाइन ओवर रेक्स वगैरह जो है गाइस वो मिल जाए मुझे, इस रेड ड्रॉप पे कोई ना कोई और भी उतरेगा। ओ यहाँ पे प्रोंटोज है, ठीक है। ड्रॉप कितना, अब भाई आलूस की आर्मी, आलू की आर्मी है, संभल के भाई थोड़ा, आलूस की आर्मी है भाई यहाँ पे। मैं आलू के आर्मी के हाथों जो है ना गाइस मरना नहीं चाहूँगा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। आलू के आर्मी हम पकड़ेंगे, दो आलू पकड़ने, ज़्यादा नहीं गाइस, दो आलू, ठीक है। बस जोन का पॉइंट क्या है, सेंटर रेडवुड, स्वाम साइड में जाएगा जोन शायद से, अगर हमारी साइड रहा तो अच्छी बात है, स्वाम साइड गया तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखते चलो अभी रेड ड्रॉप में से क्या मिलता है हम लोग को, भले कोई नहीं आजू बाजू बट जल्दी जल्दी लूटना जरूरी है भाई। ले बेटा 56 पॉइंट आ चुके मेरे पास, तू भाई मर गया। दोस्त को खा जाएगा क्या भाई, अपने दोस्त को खा जाएगा। स्पाइनो वहाँ पे उंगली कर रहा है, स्पाइनो को पकड़ के लाना पहले, वो स्पाइनो जो यहाँ पे उंगली कर रहा है ना इसको पकड़ के लाना। पॉइंट नहीं थे तो पहले पॉइंट जमा कर लिए, ये स्पाइनो जिसको मार रहा था उसी को ढील दिया हमने, उस स्पाइनो के ऊपर बैठेंगे। चलो प्रॉन्टोस वगैरह को मार के स्पाइनो की लेवल अप करते पैसिव भाई, पानी में वरना पिरानास को जो ना कैसे मारते रहेंगे लोग, इसलिए मैंने इनको पैसिव कर दिया, ठीक है। अभी कैसे गाइस फॉलो करके अच्छे से आ जाएंगे, फॉलो करके आ भी रहे हैं मेरी बैंड ना बच जाए सोलो। आलू सौरस की भी आवाज़ आ रही है मेरे को, आलू वहाँ पे अकेला किसी को तो मार रहा है, अपने दो आलू पे आ चुके हैं, बैंड बजाएंगे आलू को भी एक भी मिलेगी थोड़ी, मार दो मार दो, बैंड ही बजानी है, बैंड बजाने से सीधा बैंड बजा दी, शाबाश लेट्स गो। कोई आके हमारे ऊपर हमला करे इससे पहले लेवल टू पॉइंट नहीं रिजेन के लिए, अभी रिजेन के लिए थोड़े पॉइंट जमा कर लेता हूँ। आ जा वाले वो स्पाइनो दिख रहा है, बट इधर मैंने कुछ ब्रॉन्टोस भी देखे थे, मैं उनको मार के आ जाता हूँ फटाफट से, उससे थोड़े से पॉइंट तो मिल जाएंगे जिससे हम लोग जो है कि एटलीस्ट रिजेन कर पाएंगे अपनी हेल्थ, ठीक है। और अपने आलूस को भी थोड़ा लेवल अप दे पाएंगे, ब्रॉन्टोस को मार के ना भाई बहुत ज़्यादा भाई यहाँ पे हम लोग को भाई पॉइंट्स मिलते हैं। स्पाइनो भाई क्या कर रहा है भाई, तेरी स्पीड है या मजाक है भाई, 52 पॉइंट चाहिए रिजेन करने के लिए, ठीक है भाई इसको मार देता हूँ मिल जाएंगे। वहाँ पे ट्राइक वगैरह है क्या, 90 पॉइंट चाहिए रिजेन के लिए भाई, कुछ ज़्यादा ही महंगा हो गया लग रहा है। चलो ब्रॉन्टो की भाई हेल्थ डाउन करते हैं, तब तक उसका अपने स्पाइनो का स्टैमिना वो भी हो जाएगा फुल, ठीक है। डायनो का स्टैमिना भाई फुल हो चुका है अभी थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़े और डायनो से उनको मारता हूँ फिर हम लोग सीधा जोन के अंदर चलते हैं। 4 मिनट का समय है हमारे पास, 4 मिनट,
इधर कुछ नहीं ना, इधर ही डाल। झुंड में होते तो मार देते, झुंड में नहीं होते ना तो भाग जाते हैं। लेट्स गो, 300 पॉइंट जमा हो चुके हैं। स्पाइनो को लेवल 3 करना है भाई जल्दी। कछुए बिछुए को मार के भाई इसको 3 नहीं कर पाऊंगा, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं अंदर की तरफ जाता हूँ। ये कछुए बिछुए को और पैरासोरस को मार के लेवल 3 नहीं होने वाला भाई ये। चलो आलू को एक लेवल 1 कर ले, ठीक है। दूसरे आलू को नहीं, चलो गाइस चल दे भाई। थोड़े और भाई बड़े बड़े डायनोस को मारना है। डेथ हो रही है भाई वहाँ पे अंदर साइड, ज़्यादा दूर नहीं है, देखो ज़्यादा दूर नहीं है। हम लोग जा रहे बस आराम से, अभी बस लेवल अप शेवल अप करनी है। एंड हमारा भी कोई काम नहीं, कोई उंगली करने के लिए आया तो उसके लिए आर्मी भी अपनी रेडी ऑलमोस्ट। एक और स्पाइनो है, वापस उसको मार दूंगा तो ये लेवल 3 कर पाऊंगा स्पाइनो को, ठीक है। तो आलू को मैं लेवल अप कर पाऊंगा, तो को लेवल 1 कर दिया। इस पाइनो को लेना पड़ेगा गाइस मुझे लग रहा है, ठीक है। इस पाइनो को ले लेता हूँ अपनी टीम में, काम आ जाएगा, थोड़ा काम आ जाएगा गाइस। पिराना जाएगी उंगली करने, पक्का 100 टक्का पर। पिरानास कब नहीं आते उंगली करने के लिए। चलो इधर पर थोड़े और ब्रोंटोस वगैरह स्पॉन हो गए होंगे वापस से, तो उनको मारता हूँ। फिर जोन आने तक का वेट करेंगे आप। जोन आने में पता नहीं कितना और टाइम लगेगा। इधर आलू लगे, मुझे ज़्यादा आलू नहीं चाहिए इसलिए इसको मार देगा यार। पॉइंट्स ही ना मिल रहे भाई लोग, पॉइंट्स ही नहीं है ज़्यादा भी इस बार जो है ना। ओ सामने दिख रहे हैं, चलो सामने रिस्पॉन हो चुके हैं भाई थोड़े से डायनोस, वरना यहाँ पे पॉइंट ही ना दिख रहे थे। लेवल 3 हो जाएगा इनको मार कर। स्पाइनो ये क्या, रेक्स नहीं मिल रहा यार आज, आज रेक्स मिला नहीं हमको अभी तक। रेक्स मिल जाए तो मजा आ जाए। पीछे डेथ पे डेथ हुए जा रहे भाई डायनोस की, पता पेटी पे पेटी बने जा रहे हैं। इसको मारता हूँ, इसको फटाफट से लेवल अप कर लेता हूँ लेवल 3 का। वो देखो डेथ पे डेथ हो रही है, पता नहीं कौन से आर्मी क्या बना के रखा है, किसी ने भागने की कोशिश कर रहा है बंदा, और उसके डायनोस मरे जा रहे हैं भाई बार बार। लेवल 3 ना भाई तू रिजन कर दे। आलू सरस भाई अब तुम्हारी बारी, स्पाइनो का भी गोली मारते फिलहाल के लिए। अबे आलू सरस की गोली डॉक्टर भाई जरा, जो स्पाइनो को मार के वैसे भी मेरी लेवल 2 हो ही जाएगी। ये देखो और कार्बो और आलू दिख रहे हैं मेरे को भाई। इजी लेवल 2 है, इजी लेवल 2, लेवल 2 मेरा आलू सोरस हो चुका है। वो स्पाइनो कभी इधर जा रहा है, वो कभी उधर जा रहा है, मुझे उस स्पाइनो को मारना पड़ो ना, कभी इधर कभी उधर ऐसा कर रहा है भाई बार बार। चलो यहाँ पे थोड़े पॉइंट जमा कर लेता हूँ, एक काम करूँ गन्स वगैरह लोड कर लूँ। मेरे को बालक मेरे आर्मी के सामने मार रहा है मेरे को, थोड़े से बम चिकी चिकी बम बम वगैरह बना लूँ। रिसोर्सेस नहीं अभी और, ठीक है आ जाओ जोन का आ जाते देखते। 24 सेकंड बचे हुए थे, आलू सोरस की लेवल 3 हम कर सकते हैं इजीली। मर जा भाई, कोई डायनो भी नहीं दिख रहा जो हाई पॉइंट दे सके, सारे इत्तु इत्तु से पॉइंट्स देने वाले डायनोज है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जोन ना अंदर साइड जाने वाला है पूरा। चलो अभी निकल लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि जोन ना किधर साइड है, कहाँ पे स्वाम स्वाम बैम, ठीक है। मैंने जैसे बोला था स्वाम बैम साइड जोन रहेगा, तो जोन हमारा वहीं पे है। लेवल 3 कर लो इसको, दूसरे आलू के लेवल अप अभी। अच्छा चलो ये एक आलू सोरस को दूसरा आलू सोरस अच्छे से फॉलो करेगा, वरना स्पाइनो के ऊपर बैठ जाता हूँ ना ये फॉलो नहीं करता भाई बिल्कुल भी। अबे आलू के ऊपर बैठ के इसको फॉलो करा करा के जोन में लेके जाऊंगा आराम से। डायनोक्रेट वहाँ पे गिर रही है, अगर रास्ते में बंदे वगैरह दिखे हैं तो उनको मारने का भी काम करेंगे हम।
चलो आ रहे हैं ना अपने आर्मी। अरे यार वो आलो फिर भी फॉलो नहीं कर रहा, स्लो मोशन ही मार रहा है अभी भी। अभी भी वो आलो जरूर भाई स्लो मोशन मार मार के आ रहा। ठीक है चलो कोई ना, आ जा भाई आलो। और तेरी जी ने चोरस इसको नहीं होगा, मैं अभी लू या ना लू भाई कंट्रोल नहीं लेता हूँ। चलो उतने पॉइंट नहीं है अभी, बाद में अगर मिला आगे तो ले लूंगा, अभी उतने पॉइंट नहीं है हमारे पास। आ जाओ गाइस टीम आ जाओ इधर, कम यार यार मैं इस उम्मीद में यहाँ पे आता कि यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, तो पूरा सपाचेट एरिया कुछ भी नहीं यहाँ पे भाई, पूरा साफ कर दिया किसी ने। स्वाम्प में ही जाना पड़ेगा गाइस, ठीक है मुझे स्वाम्प में ही जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। अगर मेरे आर्मी की लेवल अप करने तो स्वाम्प में जाना भाई बेटर रहेगा। गया बंदा यार, आलू उसको फॉलो कर रहा है, अपना आलू फॉलो कर रहा है उसको, ये रहा। विजेश भाई कैसे हो, उसे कोने में छुप के बैठा था, समझ नहीं आता है दो दो पेटियां क्यों बनती है भाई एक बारी। यार क्या चल रहा है, मैंने लेवल तीन कर दिया अपने डायनो को मस्त वाला। चलो एक किल तो मिला, एटलीस्ट एक किल तो मिला भाई, अपने आलोसोरस लेवल तीन भी कर दिया मैंने। अभी स्पाइनो की बारी, आ जाओ भाई लोग, दो आलू एक दो स्पाइनो और कुछ भी नहीं अपने पास अभी के लिए। इसके डायनोज मैंने मारे नहीं है ना, मैंने मारे मतलब उनको हार्वेस्ट नहीं करा शायद से, अभी हार्वेस्ट भी करना पड़ेगा। तो कहाँ पे मरे थे वो, रहे वहाँ पे, तो उनको हार्वेस्ट करता हूँ थोड़े पॉइंट मिल जाएंगे हमारे स्पाइनों के लेवल अप के लिए, हमको चाहिए पॉइंट। ले भाई मर जा भाई, वो नीचे आलू और दिख रहे भाई, आलू की बड़ी से आर्मी बनाऊ क्या, बड़ो रेक्स वगैरह आता है ना एक हाथ भाई, वो पूरे आलू को जो है ना इसे मक्खन की तरह काट के रख देता है, कहाँ जाता है भाई पूरा। इसलिए भाई थोड़ा सा ना मेरे को आलू आर्मी टेम करने में डर लगता है। चलो भाई बैंड बजा दी भाई इसके डायनोज की भी, अभी नीचे चलते हैं थोड़े पॉइंट फार्म करते हैं, इसको लेवल अप करते हैं, लेवल टू तो कर ही सकता हूँ यार, लेवल टू कर लिया। चलो लेवल थ्री कर लेते हैं, अभी एक आलू ले लेता हूँ मैं चलो, क्योंकि मेरे पास अभी स्वाम में जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा पॉइंट आ जाएंगे, तो पॉइंट यूज करने के लिए कोई ना कोई डायनो चाहिए होगा हमको। आलू आ जाओ, तुम में से एक ही चाहिए मेरे को, ज्यादा बस एक आलू चाहिए। ठीक है चलो चलते हैं स्वाम्प में, देखते भाई कि स्वाम्प भाई में हम लोग को जो है ना गाइस कौन कौन से डायनोस मिलते हैं। ठीक है अपने आर्मी तो है भाई ओपी, अभी स्वाम्प में जाके इसको और भी ज्यादा अच्छी तरीके से लेवल अप करेंगे। कोई तो बंदा है क्या, तो लगा गया इसकी कोई रिजेन कर रहा है यहाँ पे, कोई नहीं है। चलो आ जाओ भाई लोग, जोन पता नहीं कहाँ पे कल्टी मारेगा अभी, अभी तक तो हम जोन के साथ ही चल रहे हैं। इधर आओ सीधा, पूरा रेड उड़ का फुल रेड उड़ के अंदर ही है, स्वाम बैम नहीं है भाई, स्वाम बैम में जाके आ सकते। सीपोर लगाएगा बेटा, सीपोर लगाने की गलती करेगा वापस से जिंदगी में, लगाएगा बेटा सीपोर वापस। चलो 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 चलो
चलो बैस की चलो C4 लगाएगा अंकल, C4 लगाएंगे अंकल भाई, जिंदगी में वापस C4 ना लगा पाएंगे। चल आ जाओ भाई, मर गया। अबे हमको जोन में जाओ, जहाँ से आए वहीं से जोन में चलते, आ जाओ। जरा उसका सामान तो पेटी तो लूटने दे, ठीक है जहाँ से आए वहीं से भाई जोन में जाने की ट्राई करते। चलो लेवल 3 तो हो जाएगा अपना स्पाइनो, इसकी कोई बात नहीं है। ऊपर कहाँ से जा सकते हैं, यहाँ से गलियारा है जो मुझे ऊपर लेके जा सकता है, ये रहा, इस गली से ऊपर जा सकता हूँ मैं। ये स्पाइनो का ना टाइम पे स्टैमिना खत्म हो गया था, पता है गाइस आपको, टाइम पे अपने स्पाइनो का स्टैमिना खत्म हो गया था इसलिए मैं पीछा नहीं कर पाया। मैंने उसको देख लिया था वैसे सिपोर लगाते हुए, आराम से आया था और पेड़ के पास जो है ना गाइस सिपोर लगा रहा था, बोला वाह बेटे वाह, ज़्यादा हीरो बन रहा है भाई तू तो, ज़्यादा ही प्रोनेस दिखा रहा था, सीधा पेल ही दिया। ऊपर चढ़ने का रास्ता तो दिखाओ, ऊपर कहाँ से जाए हम यहाँ से, ठीक है चलो 400 पॉइंट है मेरे पास, बट अभी फिलहाल के लिए वो यूज़ नहीं करूँगा लेवल अप के लिए, बचा के रखता हूँ, थोड़ा रिजेन वगैरह करनी पड़ेगी ना डैमेज के, उसके काम आ जाएंगे। घूम के चलते, पत्थर वित्तर में अटक जाओगे फालतू में दिक्कत हो जाएगी। चलो लेट्स गो, तो अपने आर्मी के जोन में आ चुके हैं, बाकी देखते हैं कितने लोग, कौन कौन से आर्मीज, कौन कौन से डायनोस लेके बैठे अभी, ठीक है। इस पाइनो को मुझे भाई जल्दी से जल्दी लेवल अप करना है बस, नीचे भाई दो कोई तो डायनोस दिख रहे हैं मुझे, पता नहीं वो कौन से डायनोस है, बट है भाई नीचे दो डायनोस है। बाकी जोन कहाँ पे जाता है देखते हैं, डायनो क्रेड कहाँ पे, वैसे डायनो क्रेड अभी तक आई नहीं है ना, स्टैमिना रिकवर कर रहा हूँ यार, एक भी डायनो नहीं छोड़ा है जो भी था बंदा यहाँ पे, भाई ने एक भी डायनो नहीं छोड़ा है जिसको मार के पॉइंट हार्वेस्ट कर सके, पूरा सपा चेट कर दिया एरिया भाई, पूरा साफ कर दिया है, कुछ भी नहीं बचा इधर। ये क्रेंटो है भाई, रुको इसको ही मार ले भाई, सारी की सारी जो ना गाइस सारे रेडवुड को साफ कर दिया भाई बंदों ने, 600 पॉइंट है हमारे पास, डेथ हो रही है वहाँ पे, थाइलो को ले रुको खा जाता हूँ, पॉइंट मिल जाएंगे इनको, लड़ने दो अभी, क्या है ना भाई पथरीला एरिया है, पहाड़ी एरिया है, तो अपने आर्मी ओके नाइस, जोन यहाँ पे अच्छी बात है, ये जो ना थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, सो अगर हमारी आर्मी कहीं पर फंस गई ना तो उनका निकल पाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, सो इसलिए यहाँ पे बहुत कांड हो गया भाई, बहुत पॉइजन बम चलने वाले, बहुत ज़्यादा ही, 700 पॉइंट एक मिनट पूछा मेरा आलू कहाँ पे लेवल वन वाला, टू साइड एट लेवल वन वाला आलू भाई, आज किसी को तो मार के इसको, 400 पॉइंट तो रिजेन के लिए नहीं चाहिए होंगे ना, इसकी लेवल वन नहीं, ठीक है सो मुझे बैठ जाना है अभी स्पाइनो के ऊपर, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंट भी हमारे काफ़ी काम के, हमेशा चलते रहना, एक जगह पे रहूँगा ना तो पॉइजन बम गिरेंगे, सो हमेशा मुझे चलते रहना है यहाँ पर। ये रेड ड्रॉप मैं क्यों लेने के लिए आया मेरे को पता नहीं है, बट ऐसे टाइम पास में लेने के लिए आ चुका हूँ मैं यहाँ पर, तो ये बम भी बनाने दो, गन लोडेड है, गन लोडेड है, रॉकेट लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर लोडेड नहीं है, सारी चीज़ें लोड कर लूँ, C4 लोडेड है, जरूरत पड़ सकती है इन सारी चीज़ों की, पेटियों पे पेटियाँ बन रही है, 8 ट्राइब अभी भी जिंदा है, अभी भी 8 ट्राइब जिंदा है, 8 बंदे जिंदा है गाइस, शिट भाई एंड में बहुत बसड़ मचेगी, हद से ज़्यादा भाई,
भाई रॉकेट्स विकेट्स हर एक चीज चलने वाली इस बार, रेडवुड है ऊपर से। सो कोई एक पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, पेड़ पे चढ़ जाएंगे, लटक जाएंगे और तबाही मचाएंगे भाई लोग। ठीक है चलो देखते हैं अभी क्या होता है। हम तो जोन के भाई नीचे साइड में रह रहे हैं, हमेशा मूव करते रहना है। एक जगह पे रहेंगे ना तो ये लोग बैंड बजा देंगे। अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, चार पांच ट्राइब तो यहाँ पे दिख रही है भाई। ऊपर जोन ऊपर साइड डायनोक्रेट दे यहाँ पर। ठीक है ऑल राइट, हाँ लो खोलिए। ठीक है व्हाट द हेलो, फालतू के पंगे लेने को ना। किधर हम यार, ये पता चल गया मेरे को, जोन के बाहर लेके जाना चाहते हैं मेरा। हाइलो का बच्चा मन का सच्चा जोन के बाहर लेके चला गया भाई मेरे यार। बस सबसे बड़ी आर्मी थी, बड़ो थाइलो को लेके बच्चे ने उस आर्मी को बाहर लेके जाके उसकी बैंड बजा दी। संभल के चलना है, रुको एक पेटी मिल जाए बस किसी की। ये रेडवुड जो है ना वो थाइलो कोलियो का एरिया है भाई, समझ रहे हो गाइस। ठीक है मेरा रेक से भाई, वो मेरे रेक से उंगली कर रहा है वो। ग्रैपलिंग क्या हो गया, ग्रैपलिंग कुक लगा क्यों नहीं यहाँ पे। ठीक है संभल के, वो पेटी पेटी लूट सकता हूँ या लूटेड है। नाइस जी जी, थोड़ा आर्मर मिल गया, अच्छी बात है भाई। पॉइजन बम बहुत ज़्यादा है मेरे पास। ठीक है यार, पीछा कर करके मारा भाई वो रेक्स।
हट भाई कार्ड हो गया यार सच में। एंड पे भाई मेरी आर्मी को थाइलो लेके नहीं जाता ना तो मजा आ जाता। बट कोई ना, चलो लगातार भाई 6-5 मैच जीतने के बाद एक मैच हारना बनता है भाई आप, ठीक है। बाकी अभी के लिए आज का ये वाला एपिसोड हो जाता है हमारा यहीं पे खत्म। मिलता है अगले एपिसोड में। किल की बात करें तो हम लोग ने टोटल भाई 2 किल करे थे, एक सीपोर से उड़ाया और एक डायनो से उड़ाया था, तो 2 किल करे, 4 डायनो को मारा एंड यहीं पे हमारा गेम हो जाता है ओवर। तो अगर आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलता है अगले एपिसोड में। आर्क सर्वाइवल ऑफ द विलेज के, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। And how careless we be. Yeah. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk.